अरे रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं, रोइए नहीं। साला चूतिया बनाता है लोग को, भाई तो दुनिया को लूटते हैं, मतलब अमीरों को लूट रहा है बहन चुनेतन। नमस्कार, मैं हूँ आर्यन, आप देख रहे हैं सिल्क टीवी। अभी हमारे साथ एक दुकानदार जुड़ गए हैं जो कि अभी हम सबौर थाना में मौजूद हैं। इनके साथ घटना हुआ है, थाना में इसको मारा गया है और कॉल रिकॉर्डिंग पर गाली गलौज किया गया है। वो पूरा घटना ही बताएंगे, क्या क्या मैटर हुआ था। मैटर था कि प्लाई मेरे दुकान से लिया था। हाँ। और एल्युमिनियम थाना का बड़ा बाबू गए थे, क्या नाम था उनका? गए थे तो मनोज, मनोज जी। हाँ। अच्छा, आपको मारा कौन था? बड़ा बाबू मारे हैं। बड़ा बाबू मारे हैं, क्यों क्यों मारे थे वो? वो मारे कि बोला कि ऐसे बनाता है के बड़े बड़े और हमारा और कॉल रिकॉर्ड करता है और इधर उधर भेजता है। अच्छा, पूरा मैटर क्या था वो बताइए। पूरा मैटर यही था, केबाड़ी बनाने के चक्कर में हुआ था। हाँ। प्लाई वाला लिया था तो इसी वजह से हुआ है। अच्छा, उसमें क्या हो गया था? वही हुआ, वो बोला कि हम 9000 का बिल दिए थे। वो बोला कि 9000 बहुत ज़्यादा बिल है, तुम तो बताओ जमीन बिल क्या है। हम हाँ। बोले कि सर मार्केट से हम लाते हैं लंबा 16 फीट का लेंच खरीद के, 7.5 फीट यहाँ लगा है, 1.5 फीट टुकड़ा सब जो गिरता है मेरा पैसा पॉकेट से चला जाता है, आप उतना तो रेट दीजिएगा नहीं, और अब बना उना के दिया तो वो रेट दे रहे हैं इसी में। तो आपको मतलब थाना बुलाया गया। कॉल पे क्या क्या बोला गया था? कॉल पे बोला बहन चोद तू पहचानता हमको, ये और मेरे पास रिकॉर्ड है। सुनिए, आपको रिकॉर्डिंग पहले सुनाते हैं। निकालिए रिकॉर्डिंग, निकालिए रिकॉर्डिंग, निकालिए आप, आपको रिकॉर्डिंग पहले सुनाते हैं हम। आवाज़ कीजिए फुल फुल आवाज़ लीजिए, बड़ा वो बात करेंगे, सुनिएगा। हेलो, हाँ सर, कैसे एल्युमिनियम है रे? किलो एल्युमिनियम अभी है 3.45। कितना किलो है ये? किलो हिसाब से सर थोड़ो बेचते हैं। अरे साला चूतिया, तुम्हें लगता हम चांद पे रहते हैं रे? सर किलो हिसाब से चले साला, तुमको हमको लगा था चांद पे लगते रहता है रतन, 10000 का कैसे बनता है? सिखाएगा तू हमको? तू थाना पड़ा तो इसे आने तो हम पहुंचे भाई, तो माए बहन साहब रोटी बेटी एक कर देंगे, तुम थाना पड़ो। अच्छा सर, तुम जल्दी आ रहा है कि हम पहुंचे वहां पर? 6 बजे आते हैं सर। साला चूतिया बनाता है लोग को, भाई तो दुनिया को लूटते हैं, मतलब हम ही लोग को लूट रहा है बहन चो रतन, नाटक लगा के रखा है। 6 बजे आते हैं सर। साला नहीं आएगा, उठा लगा बहन चो को। देख लीजिए, एक रिकॉर्डिंग था, एक रिकॉर्डिंग और है जो आपको आखिरी में ऐड कर देंगे, उसको भी सुन लीजिएगा। बाकी आपको थाना कब बुलाया गया था? कल बुलाए थे लेकिन हम डॉक्टर के यहाँ चले गए थे, नहीं आ पाए। क्या चोरी चपाटी क्या किए थे जो थाना बुलाया गया आपको? वही सामान दिए थे, हमारे दुकान से खरीदा था, प्लाई लिया था, प्लाई सन मेकअप है बिल्कुल, सब टोटल सामान दिए थे। हाँ। तो ये हमसे बिल में यह आ रहा कि आप 2000 रुपये ज़्यादा मांग लिए थे। हाँ, बिल दिए थे लेकिन वो बोला कि नहीं पैसा तुम ज़्यादा मांग रहा है। 2000 ज़्यादा मांगे थे आप, काहे ज़्यादा पैसा मांगे? पैसा मांगे थे वही जो हमारा जो मटेरियल जो एक्स्ट्रा जो कटिंग गिरता है तो इधर पैसा देता नहीं, ये तो तर्जू पे किलो पे हम लाते हैं और जो बनाते हैं तो जो कटिंग जो गिरता है तो हम 3.45 में लाते हैं, और वो जो कटिंग जो बेचते थे 100 रुपये किलो उसी पर हम ऐड करके हम लिए थे। इतना बड़ा बुआ का नाम है कि आप GST वाला बिल दीजिए, काहे नहीं देते हैं बिल? GST हम मेरे पास था, सिलेंडर करवा दिए। अच्छा। GST नहीं चला, जब GST हम लोग के चाहिए 20-25 लाख कारोबार करें, हम छोटा मोटा दुकानदार हैं। अच्छा, आपके दुकानदार क्षेत्र में कितना लोग का GST बिल वाला दुकानदार दुकान है जो कि पक्की बिल दे करके करता है? कहाँ नज़र में अभी है, मेरे नज़र में है कोई नहीं है। नहीं, मेरे दुकान के अगल बगल कोई नहीं GST दे रहा है अभी। आपको थाना बुला के मारा जा रहा है, और लोगों को क्यों नहीं मारा जा रहा है? बस वही मैंने कि प्लाई के मैटर में ज़्यादा पैसा ले रहे हैं। आपका फ़ोन भी जब्त किया गया था? फ़ोन मेरा ले लिया और मैंने कि व्हाट्सअप सब डिटेल चेक किया। देख लीजिए, कहीं ना कहीं ये बहुत ही बड़ा गलत बात है, अधिकार देखिए, थानेदार को अधिकार नहीं है किसी का फोन ले। थुप्पी कान में मारा है? हाँ, फटाक मार दिया। यहाँ तो कैमरा होगा थाना में, CC कैमरा खुद आया होगा, वहीं पे गेटे पे मारा हमको। झूठ नहीं बोल रहे हैं? हम कसम से झूठ नहीं बोल रहे हैं एकदम से। अभी तो बड़ा बुखार है, नहीं मार रहे? नहीं, झूठ बोल रहे हैं वो, मेरे सामने सबके सामने मारा गया, लेकिन सब कोई नहीं बताएगा, ये हम कहें कोई नहीं बोलेगा, लेकिन मारा हमको, मारा है ना। अच्छा, ये बताइए, अभी गेट अभी आप फिर से ले रहे हैं कि क्या वापस करना है, क्या करना उसका? हम बोले हैं कि सर एक काम कीजिए, जो आपको गुजारा ज़्यादा ले लिए हैं। हाँ। तो एक काम कीजिए, हम गेट को पैसा ले लीजिए हमसे, हम जो ज़्यादा लिए हैं और लेकर चले जाते हैं सामान। बोला कि नहीं, तुम सामान को बना के दो और पैसा जो है तुमको हम देंगे, तो हम गेट खोल के लेके चले गए हैं। बोला नहीं, तुमको बना के देना होगा। थाना में बुला करके हाजत में बंद करने का बात किया? हाँ, बोला कि हाजत में बंद करो इसको, साले को जेल भेजो, ऐसे बोल रहा था। गाली देखो, गाली गलौज पूरा किया है ना? नहीं, पूरा वही फोने पे गाली गलौज किया, यहाँ थाना में बुला के तो नहीं बोला कि भाई चौथ को बंद करो हाजत में बंद। दूसर का रिकॉर्डिंग सुनाइए, कौन है दूसर का रिकॉर्डिंग? सुनाइए दूसर का रिकॉर्डिंग भी आपको सुनाते हैं। हम दूसर का में तो हम पैसा मांगे थे कल। अच्छा ठीक है, वीडियो के ऐड में लास्ट में ऐड कर देंगे। कौन सा कबाड़ी गेट का बात हो रहा था? यही वाला, आइए आपको दिखा देते हैं कबाड़ी गेट कौन सा था।
कबाड़ी पहुंचवा दिया। देखिए यही कबाड़ी और गेट जो थाना में लगना था, इसी गेट और कबाड़ी के लिए बात किया जा रहा था, इसी गेट कबाड़ी के लिए, इसी के लिए अगर वो 2000 रुपया ज़्यादा मांग दिए तो हम थानेदार साहब को कहे थे कि आप कंज्यूमर फॉरम में कंप्लेन कीजिए। कंप्लेन करने के बजाय कि इनका पर्सनल फ़ोन चेक इन किया गया, इनको थाना में मारा गया, ठीक है, कहीं ना कहीं प्रताड़ित किया गया। गरीब लोगों के साथ ऐसा होता, अगर कोई पैसा वाला आदमी होता तो ऐसा नहीं होता। क्या भैया सही बोल रहे हैं ना? एकदम राइट बात है। और क्या, जब हम बोला कि फलाम बेसी लिया है तो हम उसके मोबाइल पे हम पैसा ट्रांसफर भी किए 800 रुपया, यहाँ सामान ला के कटिंग उटिंग करके बनाऊ भी लिया था। हम बोले कि नहीं किए कटिंग, हमको पलाय रिटर्न कर दीजिए, हम पैसा देते हैं। हम बोले भी तो बोला कि नहीं छोड़ो बना दिया तो हम बोले कि ठीक है सर, एक काम कीजिए, 5 रुपया स्क्वायर फीट के अंदर से 800 रुपया उसके अकाउंट में ट्रांसफर किए हम अपने अकाउंट से, और मनोज के अकाउंट पे हम किए हैं, मनोज सर के अकाउंट पे। अच्छा देख लीजिए, कहीं ना कहीं एक बात और सच्चाई है। इस फुटेज रिकॉर्डिंग को करने से पहले उनसे हम मिले थे, फिर भी मिलने के बाद भी रुआब में बात कर रहे थे कि गलती मेरा नहीं, हम नहीं मारे हैं। जब इसको हम खड़ा कर दिया सामने में कि आप मारे हैं, रो रो करके कहने लगा जब सर को, इसके बाद क्या बोलते, सब बात बकवास है। थाना में घुस के रिपोर्टिंग कर रहे हैं, सामने में कह रहे हैं को गलती किए हैं। जब गलती किए हैं तो गलती किए हैं, इसमें बख्शा नहीं जाएगा, ठीक है। इसके ऊपर कार्रवाई जरूर होना चाहिए, क्योंकि किसी को अधिकार नहीं कि गाली गलौज करें। इनको गाली गलौज पूरा माँ बन लगा के किया गया, बेचारा रोने लगे थे कैमरा पर, मेरे हमसे जब फ़ोन पे से बात हुआ तो रोने लगे थे। क्या भैया सही बात है, हैं अभी भी आँख में आपका आंसू आ रहा है? मतलब 2 रुपया का धंधा नहीं है और मारपीट और अलग प्रताड़ित किया जा रहा है। बाकी हम कोशिश करेंगे उनका भी फुटेज लेने का, वो बाहर नहीं आ रहे अभी अपने, वो बोल रहे हैं कि कोई भी केस में फंसा देंगे, हैं बोल रहे हैं कोई भी केस में फंसा देंगे। नीचे आ जाइए इधर, कोई भी केस में फंसा देंगे। अच्छा ठीक है, रोइए नहीं, हम लोग हैं साथ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी केस में कैसे फंसा देगा महाराज, कुछ करिएगा तब ना आपको फंसाएगा। अरे रोइए नहीं, कल से आपको पूरा तंग किया गया, 2 दिन से ना, 3-4 दिन से परेशानी कर रहा है। कहीं ना कहीं देखिए ऐसे थानेदार को ट्रांसफर ही कर देना चाहिए, सस्पेंड करना चाहिए, नौकरी से बर्खास्त करना चाहिए। डीएम साहब सुब्रत कुमार सेन जी, इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिए और देखिए कि आपके बगल वाले सर, ये क्या बोलते हैं, कौन सा है ये, सबौर थाना, नाम क्या बड़ा बाबू का? पवन कुमार सिंह। कहीं ना कहीं देखिए बहुत ही बड़ा वो गलत काम कर रहे हैं, मतलब वर्दी का जो है ना गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई कीजिए, ठीक है। इस तरह से काम नहीं चलेगा, किसी को उठा के लाए और सामान भी ले लिए, मारपीट भी किए उसके साथ और थाना में बंद करने की कोशिश किए, अब बोलते हैं कि हाजत में बंद कर दो उसको, गाली अलग जेल भेजो, जेल भेजो। चलिए ठीक है, बाकी उनसे भी हम फुटेज लेने का कोशिश करेंगे। बाकी देखते रहिए सिलेक्ट टीवी, धन्यवाद। कैसा लगा हमारा प्रयास, आप कमेंट करके जरूर बताइए।